वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद पूजा दुबे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल बाजार जैसी नान खटाई, एकदम खस्ता, बहुत बहुत ही टेस्टी। तो आइए देखते हैं हम ये नान खटाई कैसे बनाएंगे बहुत ही इजी वे में। तो नान खटाई बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है ऑल पर्पज फ्लावर मैदा, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल मैदा, 1 बाउल से थोड़ा कम घी, 3/4 कप आप मान लीजिए, और 3/4 कप ही मैंने शक्कर लिए है, और इसमें मैं 2-3 इलायची डालूंगी, ये हम पीस के इसको डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक। सबसे पहले हम इसको मिक्सी में जो शक्कर है इलायची को, इसका पाउडर बनाएंगे। एकदम बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया बारीक पीस गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके साथ मैंने जो अपनी इलायची थी वो भी पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो चीनी है और जो घी है उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने, देखिए, चाहे तो आप बेसन पूरा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन, मैदा और आटा मिक्स करके लिया है इसको हेल्दी बनाने के लिए, और इसमें 1 चम्मच सूजी भी ऐड की है। तो आप ऐसा मिश्रण भी तैयार कर सकते हैं, या केवल मैदा, या आधा मैदा आधा बेसन, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। प्रपोर्शन हम बराबर रखेंगे, हम एक ही कप से सारी मात्राएं लेंगे शक्कर और घी की, और मैदे वाले या आटा या बेसन, जो भी आप मिश्रण ले रहे हैं। और इसमें मैं ये आपको सीक्रेट बता रही हूँ, ये मैं ऐड करूँगी 1/4 से भी कम, देखिए चुटकी भर समझ लीजिए आप, बेकिंग पाउडर। तो इसको डालने से जो हमारी नान खटाई है वो बहुत ही बढ़िया फूलेगी, बहुत ही अच्छी बनती है। और मैं इसमें चुटकी भर नमक भी ऐड करूँगी, इससे भी बहुत ही अच्छी हमारी नान खटाई बनती है। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ऐसे बनाएंगे तो आपकी नान खटाई बहुत ही अच्छी बनेगी। और एक और टिप मैं दूंगी कि आप इसको छान लीजिए जो ये मिश्रण है सारा, ताकि इसमें ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा बहुत ही बढ़िया फूला फूला सी नान खटाई बने। और इसको आप ऐसे छान के फिर मिक्स करिए इसको चीनी और घी के मिश्रण में। और अब मैं फ्रेंड्स, एक मैंने ये बाउल लिया है, मिक्सिंग बाउल, इसमें मैं ये घी डालूंगी जो मैंने लिया है 3/4 कप। हमें प्योर घी लेना है, इसमें बटर या प्योर घी लीजिए, आप ऑयल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसमें प्योर घी या बटर ही यूज़ होता है। और ये 3/4 पीसी शक्कर, इसमें मैंने इलायची भी पीसी थी, इसको भी हम इसमें डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में। और अब आप इसको चाहे तो कोई आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वाला जो मिक्सर है उससे आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको, इससे जो हैंड मिक्सर मैंने ये लिया है, इससे बहुत अच्छे से मिक्स करिए। इसको हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये थोड़ी सी लाइट हो जाए और फ्लफी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मुझे मिक्स करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप इसको एक प्लेट में हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, और आप जैसे चाहें वैसे मिक्स कर सकते हैं। आप बस इलेक्ट्रिक वाला अगर बीटर है जो, जिसे हम केक मिक्स करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप हाथ से इसको अच्छे से फेंटिए। बस आपको इसको अच्छे से फेंटना है ताकि इसका, देखिए, कलर भी चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी लाइट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मिक्सचर को फेंटते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए, और ये बहुत ही लाइट और फ्लफी हो गया है। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी जो नान खटाई है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आपको इसको अच्छे से फेंटना है, बहुत ही अच्छे से आपको इसको फेंटना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है आप किससे बीट कर रहे हैं आप। और फिर अब हम इसमें धीरे धीरे हमारा जो ये मिश्रण हमने बनाया है मैदे का और सूजी और इसमें बेसन है, तो सूजी 1 चम्मच ली है, बाकी सब मैंने मिक्स किया है आधा आधा। तो आप इसको धीरे धीरे, अब आपको ये देखिए स्पैटुला की मदद से मिक्स करते जाना है, और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हमको इसमें ताकत नहीं लगानी है, हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और एक डो का फॉर्म बनाएंगे। और इसको आपको हाथ से करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि आपको इसका सही टेक्सचर और कंसिस्टेंसी पता चले। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ये लगे कि ज़्यादा टाइट हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो बैटर की कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल सही लग रही है। अब इसमें मैं जो थोड़ा बहुत बच गया था वो भी ऐड कर दूंगी, और फिर मैं इसको एक डो का फॉर्म दूंगी। आपको भी इसको ऐसे मिक्स करते हुए डो का फॉर्म देना है। इसमें
इसमें पानी और दूध बिल्कुल भी नहीं डलेगा, इसको बस हमें घी से और चीनी के मिश्रण से ही सानना है। तो देखिए हमें इसको बस इसी कंसिस्टेंसी का रखना है कि इसके देखिए ऐसे पेड़े फॉर्म हो जाएं और बढ़िया से डो स्मूथ डो बन जाए। और फ्रेंड्स हम अब इसको तुरंत नहीं बनाएंगे, इसको हम ढक के रखेंगे। आप चाहें तो एक कपड़े से इसको ढक सकते हैं या जो, तो इसको आपको 15 मिनट से 20 मिनट, आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, जितना आप इसको रखेंगे उतनी अच्छी आपकी नान खटाई बनेगी। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे, उसके बाद फिर हम इसके पेड़े के शेप की नान खटाई बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे जो मैंने डो तैयार किया था नान खटाई का, बहुत ही सॉफ्ट डो बना है और इसको रखे हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके इसको अच्छे से थोड़ा सा फिर से वो करेंगे, नीट करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके अब छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, नान खटाई का शेप देंगे हम। तो हमें ऐसे हथेली की मदद से, आपके हाथ साफ होने चाहिए, और इसको ऐसे करते हुए गोल गोल घुमाते हुए देखिए हमें ऐसे पेड़े का शेप बना लेना है। तो फ्रेंड्स हम ये जो प्लेट है ये ग्रीस कर लेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा ये बटर मोल्ड डाल दी होगी, इससे मुझे ये फैला देना है। और फिर मैं इसको डस्टिंग करके इसको ऐसे करके ऐसे ग्रीस कर लेंगे प्लेट, ताकि जो हमारी नान खटाई है वो उसमें जमे नहीं, और उसको चारों तरफ फैला देंगे मैदे को। और इसको जैसे मैंने बताया था ग्रीस की हुई जो हमारी ट्रे है हम उसमें सेट कर देंगे। तो हमें सारे पेड़े ऐसे ही बना लेने हैं गोल गोल करते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो मैंने सारे जो मेरी नान खटाई थी उसको पेड़े का शेप दे दिया है। तो इसमें आप चाहें तो इसको ऊपर से आप पिस्ता बादाम कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ये जो नाइफ और ये है इसको आप सिंपल ऐसे रख सकते हैं। बस आपको इसको हल्के हाथों से ऐसे एक क्रॉस का निशान देना है, डिज़ाइन बना देनी है। तो सारी हम जो ये पेड़े हैं नान खटाई के लिए ये हम इसमें सभी में ऐसे एक क्रॉस का निशान दे के डिज़ाइन बना लेंगे। और आप चाहें तो इसमें बादाम भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें आप बादाम लगा के इसको कैसे डेकोरेट करेंगे। आप इसमें पिस्ता लगा सकते हैं, आप इसमें कोई भी नट्स यूज कर सकते हैं ऊपर से, और नहीं तो आप इसको सिंपल ये जो हमारी नान खटाई है इसको हम आप प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री में 20 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। फ्रेंड्स अब मैं अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में प्री हीट करने के लिए रख दूंगी। तो मेरा ये जो माइक्रोवेव है ये प्री हीट हो रहा है, इसको मैं 5 मिनट के लिए प्री हीट करूंगी और फिर जो हमारी नान खटाई है वो इसमें हम बेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो गया है। अब मैं इसमें एक स्टैंड लगाऊंगी और फिर जो हमारी नान खटाई है वो हम इसमें बेक करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स सभी के माइक्रोवेव और ओवन का जो टाइम है वो वेरी करता है उनके सेट। और फ्रेंड्स अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप बिल्कुल निराश ना होइए। आपको देखिए ऐसे गहरी एक कढ़ाई लेना है और इसमें नमक डाल देना है। और देखिए मैंने यहाँ पे फुल फ्लेम पे इसको रख दिया है और इसे मैं अच्छे से हीट करूँगी। जब इसमें हीट महसूस होने लगेगी 5 मिनट के बाद तब मैं इसमें ये स्टैंड रखूँगी। तो आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ये देखिए छेद होने चाहिए, आप एक जाली वाला स्टैंड भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर ये एक एल्यूमिनियम की प्लेट है, इसमें आप रख के नान खटाई बनाएंगे। और जब आप ये प्लेट रख देंगे तो फिर इसको सिम पे करेंगे हम, और फिर इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के, देखिए इसको ऐसे ढक देना है अच्छे से। तो ये हमारा देसी स्टाइल का ओवन तैयार है। तो इस पर आप बहुत ही बढ़िया नान खटाई बनती है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आप उसको टाइमिंग का देखना पड़ेगा, तो आप बीच में चेक करते रहिए, अगर हल्की गोल्डन ब्राउन आपको दिख जाए तो मतलब आपकी नान खटाई अच्छे से पक गई। पे वेरी करता है। तो यहाँ पे मैं देखिए 20 मिनट्स के लिए मैं अपने ये जो नान खटाई है इनको बेक करने के लिए रख रही हूँ। तो ये आपके आपके टाइमिंग पे डिपेंड करता है, आपके माइक्रोवेव की सेटिंग पे कि आप इसको कितना बेक करेंगे। तो आप प्लीज़ चेक करते रहिए और अपने माइक्रोवेव की सेटिंग के अकॉर्डिंग इसको बेक करिए। देखिए फ्रेंड्स वाओ क्या बढ़िया खूबसूरत हमारी नान खटाई बनी है, कितनी फूली फूली कितनी सुंदर हमारी नान खटाई बनी है, बहुत ही बढ़िया। तो आइए फ्रेंड्स इसको ठंडा करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बढ़िया हमारी नान खटाई बनी। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बढ़िया नान खटाई बनी है। एकदम माउथ वाटरिंग, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही सॉफ्ट दोनों तरफ से। क्या बढ़िया गोल्डन कलर आया और कितने अच्छे से ये टूट रही हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए दो उंगलियों से बहुत अच्छे से टूट रही हैं। बहुत ही बढ़िया हमारी नान खटाई बनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक खस्ता बेकरी स्टाइल नान खटाई ज़रूर घर पर बनाइए और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।